मैथम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू स्टार्ट सेम टू एंड सेम टू में हम चैप्टर नंबर 4 देखेंगे एंड द चैप्टर नेम इज इंट्रोडक्शन ऑफ वर्डपैड। वर्डपैड के बारे में हम देखेंगे। वर्डपैड में क्या क्या है, इंट्रोडक्शन है उसका, फिर यूजेस ऑफ वर्डपैड, हाउ टू ओपन वर्डपैड, देन वर्डपैड विंडो विथ डिटेल्स, देन क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स इन वर्डपैड। तो फर्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन। In a computer, we see how to play with MS Paint and take our creativity out by making attractive drawing. Computer में हम लोग क्या करते हैं, MS Paint में हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ठीक है। Our creativity, आपको जो भी चीज़ बनानी है आप वो पेंट कर सकते हैं, फिर उस जो भी आपने प्रिंट किया उसको कलर करके उसमें कुछ इफेक्ट डाल के आप लोग उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। बट इफ़ वी वांट टू राइट इन कंप्यूटर, वी हैव टू यूज़ दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच हेल्प अस फॉर क्रिएटिंग स्टाइलिश डॉक्यूमेंट्स लाइक नोट पैड, वर्ड पैड, MS वर्ड एट्सेट्रा। जैसे पेंट में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर से हमारी जो ड्राइंग बनाई उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे, उसी तरह से ये नोटपैड जो है उसमें हम लोग हमने जो भी डेटा लिखा है, जो भी हमने लिखा है उसको क्रिएटिव बनाएंगे, उसको स्टाइलिश बना सकते हैं। इस तरह से क्या ये नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड ये डॉक्यूमेंट इस तरह के कि जिसमें हम अपना डेटा जो है वो अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आज हम देखते हैं वर्डपैड। वर्डपैड का साइन इस तरह से होता है। वर्डपैड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड यू द एनवायरनमेंट टू राइट इन द कंप्यूटर। वर्डपैड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्डपैड इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इट्स प्रोवाइड एनवायरनमेंट टू राइट इन द कंप्यूटर। इसमें हम लिख सकते हैं, लिखने का वर्क करते हैं। यू कैन राइट लेटर्स, स्टोरीज, पोएम्स एट्सेट्रा। You can also make creative and effective documents by using WordPad. आप इसमें poem लिख सकते हैं, stories लिख सकते हैं, letters लिख सकते हैं और इसको WordPad में हम लोग हमारा जो लिखा है आपने वो documents आप creative and effective बना सकते हैं। Then uses of WordPad. WordPad की uses क्या है, to create letters, stories, poem etc. इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम वर्डपैड में क्या कर सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, पोएम लिख सकते हैं। टू मेक स्टाइलिश डॉक्यूमेंट, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स हमने बनाया उसको स्टाइलिश बना सकते हैं। इन टू इंसर्ट एंड एडिट टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट्स, हमें हमने लिखकर हो गया हमारे, चलो एक आधी स्टोरी लिखी उसमें कुछ एंटर करना है, इंसर्ट करना है, वो भी हम इसमें कर सकते हैं। एडिट करना है मतलब ये नहीं है दूसरा उसमें लिखना है इसको इरेज करके, वो एडिटिंग भी कर सकते हैं। देन टू कट, कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट्स, कट मतलब इरेज कर सकते हैं, वहाँ से कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। देन कॉपी, एक जो चीज़ है वो 2 times 3 times कॉपी करके भी लिख सकते हैं एंड कॉपी करेंगे, कॉपी मतलब कॉपी और पेस्ट करेंगे। देन टू इंसर्ट डिफरेंट ग्राफिकल फीचर्स लाइक फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट इफेक्ट, फिर इसमें ग्राफिकल फीचर्स भी हम ऐड कर सकते हैं लाइक फॉन्ट स्टाइल, हमारे जो फॉन्ट है उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसको फॉन्ट को फॉन्ट इफेक्ट भी चेंज कर इफेक्ट दे सकते हैं। इस तरह से हम ये सब यूज़ करके हम वर्डपैड डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से क्रिएटिव बना सकते हैं। हाउ टू ओपन वर्डपैड, वर्डपैड आप किस तरह से ओपन करेंगे। देयर आर 3 ways फॉर ओपनिंग वर्डपैड। वर्डपैड को ओपन करने के 3 टाइप से आप ओपन कर सकते हैं। बाय यूजिंग वर्डपैड डेस्कटॉप आइकन, अगर आपके स्क्रीन पे आपने ये आपका डेस्कटॉप ऐसा तो इस पे अगर ये जो होते हैं छोटे छोटे इसको बोलते हैं आइकन, या इस आइकन पे इस तरह का साइन हो, ये होता है वर्डपैड का साइन, अगर ऐसा साइन हो तो इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 हो गया। फिर दूसरा, बाय यूजिंग स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन मतलब ये होता है टास्क बार, टास्क बार पे लेफ्ट कॉर्नर पे होता है ये स्टार्ट बटन, तो इस स्टार्ट बटन को क्लिक करके भी कर सकते हैं। और फिर तीसरा है बाय रन, ये 3 टाइप से आप ओपन कर सकते हैं।
बाय यूजिंग स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन यूज करके कैसे करेंगे, पहले क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, यहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उस पर आता है यहाँ पे ऑल प्रोग्राम करके लिख कर आता है, उस पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स पे करने के बाद आपको इसमें एसेसरीज आएगा, फिर इस तरह फिर से उसके ऊपर इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, उस पर आपको एसेसरीज में सिलेक्ट करना है। एसेसरीज में जाएंगे, एसेसरीज में जाने के बाद आपको वहाँ पे मिलेगा वर्ड पैड, ओके, एंड योर वर्ड पैड विंडो विल बी अपीयर्ड। पहले क्या करेंगे, गो टू द स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन सिलेक्ट एसेसरीज, क्लिक ऑन वर्ड पैड एंड योर वर्ड पैड विंडो विल बी अपीयर्ड। इस तरह से आप वर्ड पैड ओपन कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टार्ट बटन। सेकेंड, बाय यूजिंग वर्ड पैड आइकॉन। वर्ड पैड आइकॉन को यूज़ करके किस तरह से ओपन कर सकते हैं आप वर्ड पैड। फाइंड आउट वर्ड पैड आइकॉन ऑन डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप है, ये छोटे छोटे आइकॉन है, इस पे आपको देखना है कि वर्ड पैड आइकॉन है क्या। वर्ड पैड आइकॉन कैसा था, ऐसा था ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ था, ये था वर्ड पैड आइकॉन, तो ऐसा वाला आइकॉन है कि नहीं इस पे देखना है आपको। देन डबल क्लिक ऑन वर्ड पैड आइकॉन, जैसे फिर यहाँ पे है वर्ड पैड आइकॉन, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे, ये माउस होता है, माउस से इस बटन से आप डबल क्लिक करेंगे, योर वर्ड पैड विंडो विल बी अपीयर्ड, तो आपका वर्ड पैड विंडो ओपन हो जाएगा। देन थर्ड, बाय यूजिंग रन ओपन रन डायलॉग बॉक्स बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस आर। पहले क्या करेंगे आप लोग, कंट्रोल प्लस आर प्रेस करके आप एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसको रन डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रन डायलॉग बॉक्स, किससे होगा, कंट्रोल प्लस आर हम प्रेस करेंगे तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। राइट डाउन वर्ड पैड इन रन डायलॉग बॉक्स, फिर वो इस तरह का आता है, फिर आपको इसके अंदर वर्ड पैड लिखना है, जो कि यहाँ पे लिखा है, देखिए वर्ड पैड लिखा, देन क्लिक ऑन ओके बटन, उसके बाद किस पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है, योर वर्ड पैड विंडो विल बी अपीयर, फिर आपके वर्ड पैड विंडो ओपन हो जाएगी। कितने टाइप्स है, थ्री टाइप्स से हम ओपन कर सकते हैं, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, बाय यूजिंग स्टार्ट बटन, बाय यूजिंग वर्ड पैड आइकॉन एंड बाय यूजिंग रन। इस तरह से हम तीनों प्रोग्राम यूज़ करके हमारा वर्ड पैड विंडो ओपन कर सकते हैं। नाउ यू विल गेट योर वर्ड पैड प्रोग्राम रेडी टू यूज़ और टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। ये होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए आपका वर्ड पैड विंडो रेडी हो जाएगा। तो हमारी वर्ड पैड विंडो ओपन हो जाएगी। तो किस तरह के ऐसी होती है हमारी वर्ड पैड विंडो, ये होती है वर्ड पैड विंडो। तो वर्ड पैड विंडो में क्या क्या इंडिकेट होता है, ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार, ये जो होता है ये क्विक एक्सेस टूल बार, देन ये टाइटल बार, ये होता है इसे कहते हैं रिबन, ओके, देन ये जो बटन होता है ये वर्ड पैड बटन होता है, देन रूलर एंड टेक्स्ट एरिया, जहाँ पे हम लिखते हैं ये टेक्स्ट एरिया होता है। देयर आर फाइव मेन पार्ट्स इन वर्ड पैड विंडो विच हेल्प अस फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट वे। हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है उसको क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स इन डिफरेंट वे, इसके कितने मेन पार्ट्स होते हैं वर्ड पैड विंडो के, फाइव मेन पार्ट्स होते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार, वर्ड पैड बटन, रिबन, टेक्स्ट एरिया एंड रूलर। नाउ वी आर गोइंग टू नो मोर अबाउट ईच पार्ट इन ब्रीफ हियर। जो हमारी वर्ड पैड विंडो है वो फाइव पार्ट्स में डिवाइड होती है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक एक पार्ट को। फर्स्ट, क्विक एक्सेस टूल बार, एट द टॉप साइड ऑफ वर्ड पैड विंडो वी कैन सी क्विक एक्सेस टूल बार। जो हमारा विंडो होती है वर्ड पैड विंडो, उसके टॉप में होता है क्विक एक्सेस टूल बार। इट कंटेन्स डिफरेंट बटन्स लाइक सेव, यहाँ पे सेव का बटन भी होता है, ये जो फ्लॉपी की तरह होता है हमारा, ये सेव का बटन होता है, लाइक सेव, अंडो, रीडू। इट हेल्प अस टू डू सम कॉमन टास्क।
एट द टॉप टॉप साइड में हमारी विंडो होती है, वर्डपैड विंडो होती है, उसके टॉप साइड में जो है हमारे क्विक एसेस टूल बार प्रेजेंट होता है वहाँ पे। इसमें कौन से बटन्स होती है, सेव बटन्स होता है, अंडो, रीडो, ये सभी ये बटन्स होते हैं। एंड ये किस लिए हेल्प होते हैं, कॉमन कुछ कॉमन चीज़ें करने के लिए, जैसे प्रीवियस स्टेप करने के लिए यूज़ होता है, सेव करने के लिए ये क्विक एसेस टूल बार का यूज़ होता है। देन नेक्स्ट है वर्ड पैड बटन। वर्ड पैड बटन सिचुएटेड बिलो द क्विक एसेस टूल बार, ये होती है वर्ड पैड बटन, ये क्विक एसेस टूल बार के एग्जैक्ट नीचे यहाँ पे होती है। इट कंटेन्स मेनू फॉर डिफरेंट टास्क लाइक सेव, ओपन, सेव एज, प्रिंट एट्सेट्रा। इसमें क्या, ये जो सेव वर्ड पैड बटन में कौन से ऑप्शंस होते हैं, सेव, ओपन, सेव एज एंड प्रिंट, ये वाले ऑप्शन इसमें वर्ड पैड बटन में होते हैं। देन थर्ड इज़ द रिबन। रिबन कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ टैब एंड ग्रुप्स इन वर्ड पैड। देयर आर टू टैब्स, होम एंड व्यू, इन द वर्ड पैड आर शोन हियर। रिबन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ टैब्स एंड ग्रुप्स। यहाँ ये जो रिबन है उसमें क्या दिखाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टैब्स और उसके ग्रुप। और यहाँ पे वर्ड पैड विंडो में कितनी टैब होती है, टू टैब्स अवेलेबल होती है, एक होती है होम एंड सेकेंड इज़ द व्यू। तो होम टैब के जो है उसको क्लिक करेंगे तो उसका ग्रुप दिखाई देगा रिबन पे, और व्यू को क्लिक करेंगे तो व्यू के ग्रुप दिखाई देंगे। देर आर मेनी ग्रुप्स लाइक फॉन्ट एंड पैराग्राफ। यहाँ पे कितने फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग, ऐसे बहुत सारे ग्रुप प्रेजेंट होते हैं रिबन पे। देन नेक्स्ट इज द टेक्स्ट एरिया। द ब्लैंक एरिया इन वर्ड पैड विंडो इज नोन एज टेक्स्ट एरिया। ये जो वर्ड पैड विंडो का ब्लैंक एरिया होता है जहाँ पे हम लिखते हैं उसे बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। देयर इज अ ब्लिंकिंग कर्सर अवेलेबल टू ऐड टेक्स्ट इन वर्ड पैड विंडो फॉर राइटिंग। यहाँ पे जो होता है कर्सर होता है वो ब्लिंक होते रहता है, ये जो कर्सर है ब्लिंक होते रहता है, ऐसे ऐसे होते रहता है। ये किस लिए होता है, यहाँ पे हम टेक्स्ट जो लिखते हैं राइटिंग वर्क इस पर कर सकते हैं। देन लास्ट इज द रूलर। नंबर 5 रूलर। रूलर इज़ यूज टू सेट द वर्क एरिया ऑफ विंडो विच हेल्प यू टू एंटर टेक्स्ट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। रूलर इज़ यूज टू सेट पेपर बाउंड्री और मार्जिन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। रूलर किस लिए यूज़ होता है, कि हमारा जो वर्क एरिया है उसको सेट करने के लिए होता है, और इट हेल्प यू टू एंटर टेक्स्ट इन प्रॉपर फॉर्मेट। हमारे जो टेक्स्ट है जो प्रॉपर फॉर्मेट में होना है, एक के नीचे एक आना चाहिए, कोई लेटर इधर या कोई इधर, इस तरह से नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए रूलर का यूज़ होता है। और बाउंड्री एंड मार्जिन जो होती है डॉक्यूमेंट्स की, वो भी इससे रूलर की विद द हेल्प ऑफ रूलर सेट होती है। तो यहाँ पे हमने वर्ड पैड विंडो के कितने पार्ट्स देखे हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है वर्ड पैड विंडो, 5 पार्ट्स में। एक क्विक एसेस टूल बार, सेकेंड इज़ द वर्ड पैड बटन, थर्ड इज़ द रिबन, फोर्थ इज टेक्स्ट एरिया एंड फिफ्थ इज़ द रूलर। तो आज के लिए बस इतना ही, वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।